मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 13 दिन के बाद दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई का हुआ है निधन। 92 साल की उम्र में ली है आखिरी सांस। तो चलिए हम देते हैं आपको पूरी अपडेट, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में RIP करके कमेंट जरूर करते हुए जाइए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड के ऊपर और पूरे जगत के ऊपर कोरोना वायरस की जो चपेट है वो अभी तक भी कम नहीं हुई है। लगातार इसकी चपेट जो सिकंजे हैं वो कसते हुए जा रहे हैं। काफी सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो एक्चुअली में कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के घर में भी ऐसा ही सब चीजें हुई हैं। अभी बताया जा रहा है कि उनके छोटे भाई जिनकी एज 92 साल थी, जिनका नाम एहसान खान था, वो कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहे थे और लीलावती हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवा रहे थे। 13 दिन लगातार उनका इलाज चला। इससे पहले भी आप लोगों को हमने पहले भी बताया है कि उनके एक और भाई का भी निधन कुछ दिनों पहले हुआ था। एहसान खान का अभी इलाज चल रहा था। कल रात 11 बजे अभी ये अपडेट की है और लीलावती हॉस्पिटल ने देर रात को ये बयान जारी किया है कि एक्चुअली में कुछ देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही एहसान खान का निधन हो चुका है। COVID-19 से वो संक्रमित थे और उसी के साथ साथ वो दिल की बीमारियां और BP पेशेंट भी थे और काफी सारी उनको बीमारियां थी। और अभी एक्चुअली में अगर बोला जाए तो अभी उनके घर में पूरा दुख का माहौल छाया हुआ है। उसी के साथ एहसान खान का तो निधन हो गया है अभी, दिलीप कुमार के छोटे भाई। और उससे पहले जो कि 21 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो दिलीप कुमार के जो और छोटे भाई थे जिनका नाम था असलम खान, जिनकी एज थी 88 साल, उनका भी निधन हो चुका था। और उसी के साथ दिलीप कुमार बहुत ही ज्यादा सदमे में थे कि उनका जो छोटा भाई है जो कि एहसान खान है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर ये जो वो घड़ी सोच रहे थे कि उनके घर में ये खुशी आएगी, ठीक होके वो वापस आएंगे, वो एक्चुअली नहीं आ पाई और उनके भाई का अभी निधन हो चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में RIP करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।